हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम सीईटी एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है। कुछ भाई बहन बार बार पूछ रहे थे सर हम कौन सी बुक पढ़े, कैसे तैयारी करें। अब देखिए सीईटी हो चुका है, अब इसके बाद आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा और मेंस का सिलेबस अभी आया नहीं है। ग्रुप डी का उन्होंने बताया कि सेम पैटर्न पर एनटी लेगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सीईटी दोबारा होना है सितंबर अक्टूबर में और जो आपका ग्रुप डी होना है उसका एग्जाम कौन लेगी, एनटीए लेगी, ठीक है। और एनटीए किस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पूछेगी और कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है ताकि पहले ही अटेम्प्ट में आपका पेपर क्लियर हो जाए। देखिए जो चीजें यहां पर मैं बता रहा हूं अपने बिहाफ पे बता रहा हूं क्योंकि जो चीजें हम फॉलो करते हैं वही आप लोगों को मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके ये सब्जेक्ट यहां पर मैंने लिखे हैं जो आपके पूछे जाएंगे और यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ग्रुप डी के लिए और सीईटी एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी तक जो उन्होंने बताया है कि सीईटी के सेम पैटर्न पर हम लेंगे और हर एक की बुक और सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें आपको फोकस करनी है, बार 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 वही चीजें पढ़नी है ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आपका पेपर क्लियर हो जाए और आपके 80 प्लस अटेम्प्ट हो जाए क्वेश्चन। अगर आप मैं आपसे वादा करता हूं यदि आप ये बुक फॉलो करेंगे तो गारंटी है अच्छे से तो आपके 80 प्लस क्वेश्चंस जरूर फॉलो होंगे। मैं बताऊंगा भी ये पढ़कर कैसे 80 प्लस क्वेश्चंस हुए भी हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिना वीडियो को देखे बिना कोई कमेंट ना करें, हो सकता है जो आप कमेंट करना चाहते हैं वो आप ना करें जब आप वीडियो को पूरा देख ले। तो देखिए सब्जेक्ट आपके लिखे मैंने इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, हरियाणा जीके, कंप्यूटर वगैरह जो रह गए वो अलग है। तो यदि मेन चीजें मैं फोकस करूं इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और हरियाणा जीके तो आपके टोटल क्वेश्चन बनते हैं 85। कितने बनते हैं? 85, ठीक है। बाकी 15 में आपका जो बच गया वो आएगा। 85 क्वेश्चंस आपके बनते हैं केवल 5 सब्जेक्ट में, क्लियर है। 15 क्वेश्चन और हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन। मैं यहां पर बार बार आपको बता रहा हूं ग्रुप डी और सीईटी के पहले पेपर की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, मेंस की यहां पर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। जैसे ही मेंस का आपका सिलेबस आ जाएगा तब हम मेंस की बात करेंगे। तो देखिए इंग्लिश के लिए मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ता हूं इन चीजों से, पढ़ के हमने तैयारी की है तो तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए इंग्लिश के लिए आपको बुक फॉलो करनी है नीतू सिंह की। मैं आपको बताऊंगा भी क्या क्या आपको पढ़ना है, पहले भी मैं डिटेल से वीडियो बता चुका हूं। देखिए नीतू सिंह की पुरानी वाली बुक है, आप देख सकते हैं इंग्लिश फ्रॉम ब्लिंक टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह है आपकी पुरानी, ठीक है। कुछ चेंज भी हो सकता है, तो जो भी आपको पढ़ना है इंग्लिश में इसका पहला जो पेपर आप निकालेंगे इंडेक्स निकालेंगे तो जो भी आपको ये चीज दी गई है केवल और केवल कहां तक आप लोगों को पढ़ना है, 1 से लेकर 15 टॉपिक तक, ठीक है। 1 से लेकर 15 टॉपिक तक आपको पढ़ना है, उसके नीचे आपकी सारी की सारी वोकैब है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है यहां तक कंप्लीट है। यदि आप इसी बुक को बार बार पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 15 में से 12-13 नंबर आप ले लेंगे, ठीक है। 12-13, ठीक है, 15 भी आए हैं, बहुत बच्चों के आए हैं, ठीक है। वो लक पे डिपेंड है, तो कई बार ऐसा भी होता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है आते हुए भी, तो मैं यहाँ पर पूरे 15 की बात नहीं करूँगा, 13 मैक्सिमम की बात करूँगा। आप ले लेंगे 1-2 क्वेश्चन फिर भी ना चाहते हुए गलत हो ही जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीतू सिंह की आपको ये बुक फॉलो करनी है और आप देख सकते हैं जब भी आप बार बार पढ़ें इस बुक को, पहली बार केवल और केवल आपको रीडिंग करनी है, जो बच्चे पहली बार इसको पढ़ेंगे केवल पहली टाइम आपको रीड करना है, दूसरी बार में भी आपको रीडिंग करना है, जैसे ही आप तीसरी बार इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते चलेंगे कि आपको हाँ ये चीजें बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो रही हैं, तो हाईलाइट आप करते चलेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है, हर एक चीज आपको हाईलाइट करी हुई यहां पर मिलेगी। ये चीजें तब आपको हाईलाइट करनी है जब आप 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही पढ़ने लगे और पहली बार में ही सारी चीजें, कुछ की आदत होती है पढ़ना स्टार्ट किया हर एक लाइन को क्या कर देंगे नीला बना देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। केवल वो चीजें आपको हाईलाइट करनी है जो आप भूल रहे हैं, जो आपको याद करने पर भी याद नहीं हो रही, ताकि जब आप इसकी रिवीजन करें उन चीजों पर ज्यादा आप फोकस करें। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में भी हाईलाइट की हुई है यहां पर चीजें कि हाँ ये चीजें मेरी रह गई थी, मेरे से गलती हो रही है बार बार में भी, उसको आप हाईलाइट करेंगे, क्लियर है। तो ये आपको बुक फॉलो करनी है। तो टॉपिक्स मैंने बता दिए कंप्लीट, जो टॉपिक इंडेक्स में दिए हुए हैं यहाँ पर लिखने का कोई फायदा नहीं है, जो यहाँ पर इंडेक्स में लिखे हुए हैं वही टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, उनमें से पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ की, तो मैथ के लिए आपके नोट्स, जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, प्लस किरण की बुक है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन से आप नोट्स, जहाँ से भी आपने पहले पढ़ रखे हैं, और प्रैक्टिस के लिए आपको किरण की, इसके साथ साथ आपकी एसएससी की भी तैयारी हो रही है। यदि आपने ये बुक फॉलो कर ली तो एसएससी का भी एग्जाम आप आराम से निकाल लेंगे, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं पुरानी बुक है, जब मैंने तैयारी की थी तो इसी से तैयारी करी थी, 1999 प्लस टिल डेट की है, ये 1100 प्लस की है, अब तो और भी आ गई है, तो मैं इसी को करता हूँ। जो क्वेश्चन ऐड हो गए हैं उनकी मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल नीला फट, कैसा हाल हो गया इसका, पढ़ पढ़ के हाईलाइट की हुई है चीजें बिल्कुल, दो से तीन बार, पता नहीं कितनी बार ये बुक मैंने सोल्व की थी तब मैंने तैयारी की थी। तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये बुक फॉलो करनी है। सबसे मजेदार चीज है कि यहां पर आपको टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कि आपने जो एक टॉपिक किया उस टॉपिक पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब यहाँ पर देखिए केवल और केवल आपको अरिथमेटिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक एडवांस नहीं पढ़ना है, अरिथमेटिक केवल आप लोगों को पढ़ना है। यदि आप एसएससी की भी तैयारी करें तो एडवांस भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की आपको आरएस अग्रवाल, इसके अलावा आपके नोट्स जो भी हैं 15 क्वेश्चंस आएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी आरएस अग्रवाल की बेस्ट बुक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, एक बार आपने पढ़ लिए यहां से, केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को यहां से पढ़ने हैं। अब देखिए सारी चीजें आप लोगों को नहीं पढ़नी है, बहुत यहां पर चीजें दी हुई हैं, यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग यहाँ पर आपकी सारी की सारी यहाँ पर मेंशन दी गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपने ये कवर कर ली तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। इसके अलावा आप किरण भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, एक बुक फॉलो करो कोई भी, या तो किरण या फिर आरएस अग्रवाल, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सीरीज पढ़ना है, एनालॉजी समानता पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है यानी कि विषम छांटना है आप लोगों को, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, इसके अलावा पजल आपको नहीं पढ़ना, सिक्वेंशियल नहीं पढ़ना, डायरेक्शन आपको पढ़नी है, वेन डायग्राम आपको पढ़ना है, अल्फाबेट टेस्ट आपको पढ़ना है, अल्फान्यूमेरिक पढ़ना है, रैंकिंग पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड आपको पढ़ना है कि वर्ड को कैसे लॉजिक में लगाना है, इसके अलावा मिसिंग नंबर आपको पढ़ना है, डाटा सफिशिएंसी। देखो जो चीज आपको नहीं पढ़नी है इसमें से पजल, सीक्वेंसिंग आउटपुट ट्रेसिंग नहीं पढ़ना है क्योंकि वो बैंकिंग में आपका पूछा जाता है, डाटा सफिशिएंसी आपको नहीं पढ़ना है, एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़ना है, उसके अलावा आपको इसमें एजर्शन और रीजनिंग यानी कि जो आपका पूछा जाता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर आपका नॉन वर्बल दी है, वो तो सारी आपको पढ़नी ही है, जो मेन टॉपिक है वो मैंने आपके बता दिए हैं यहाँ पर, जो आप लोगों को यहाँ से पढ़ने हैं, क्लियर है। तो बुक भी मैंने दिखा दी है, एस चांद पब्लिकेशन की, आर एस अग्रवाल की, ये बुक आप लोगों को फॉलो करनी है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ हिंदी 15 क्वेश्चन लूसेंट, केवल और केवल लूसेंट आपको पढ़नी है, देख सकते हैं लूसेंट, इसकी कंप्लीट मैंने मैराथन भी डाली हुई है, टॉपिक वाइज आपकी मैंने इंग्लिश की भी डाली हुई है, रीजनिंग की भी कंप्लीट आर एस अग्रवाल के नोट्स बना के डाले हुए हैं आपके, मैराथन क्लास जरूर देख लेना, हिंदी की भी कंप्लीट लूसेंट देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं, मार्क किए हुए हैं यहाँ पर चीज़ें, एक एक चीज़ें पढ़ के आपको यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो लूसेंट आपको पढ़नी है हिंदी के लिए, इससे बाहर आपका एक भी टॉपिक नहीं मिलेगा। और आपको पढ़ने कौन कौन से हैं हिंदी के, दूसरा तीसरा फोर्थ, ठीक है, चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसके अलावा आपको 12 नहीं करना है, उसके बाद 13, 14 मुहावरे कर लेना, इसके अलावा आपका रस, छंद और अलंकार, ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है, जो आपके मतलब का नहीं है। यहाँ पर पहला साहित्य पहले पूछा गया था, अब नहीं पूछेंगे, एक उसके अलावा आपको 12, 16, 17 और 18 चैप्टर नहीं पढ़ना है, बाकी सारे आपको पढ़ने हैं, मेन जो चैप्टर हैं आपके, क्लियर है। यदि आप मैराथन देखना चाहते हैं तो मैराथन भी जरूर देख लेना, मैराथन प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, सारी की सारी मैंने हिंदी करवा रखी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा जी के वेरी इंपॉर्टेंट केवल लूसेंट, ठीक है, एक छोटी सी बुक है, जो भी बुक फॉलो करें इसकी, आप जो भी बुक फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, एक ही बुक बार बार पढ़नी है, छोटी सी लूसेंट की बुक है, इसी को आप बार बार पढ़ेंगे, क्लियर है। लूसेंट की इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, इससे क्या कोई भी बुक पढ़ लेना आप, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर अटपटे पूछता है वो सभी के गलत होते हैं, 22 के आसपास क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हरियाणा एसएससी बार बार अटपटे पूछता है, जानबूझकर पूछता है, जिसके आपको आंसर नहीं मिलेंगे किसी भी बुक में, क्लियर है। तो ये 85 क्वेश्चंस की मैंने यहाँ पर आपको बात की है, जिसमें से यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं 85 में से, तो 77 के आसपास क्वेश्चन आप ठीक कर लेंगे, 77 और 78 के आसपास, क्लियर है।
फैक्ट बता रहा हूं मैं, सच्चाई है ये, पढ़कर हमने भी नंबर लिए हैं केवल ये चीजें पढ़कर, क्योंकि मैंने पढ़कर ही एग्जाम दिए थे तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं एज ए फ्रेंड एज ए दोस्त, ये चीजें क्लियर है। उसके अलावा जीके के लिए जो बाकी 15 पढ़ गए आपके, जो 15 क्वेश्चन बच गए उसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं जीके की, देख सकते हैं हरियंत या लूसेंट। कुछ बच्चे लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट आप पढ़ सकते हैं या फिर हरियंत। और कंप्यूटर के लिए लूसेंट की पतली सी बुक है, बहुत है बेसिक के लिए। और आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं वन लाइनर है ये आपकी कॉस्मोस पब्लिकेशन की, महेश वनवाल की। मैं यहाँ पर कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ बुक का, अच्छी बुक लगी है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं वन लाइनर है, अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। तो जीके के लिए मैंने आपको सारी की सारी यहाँ पर बुक दिखा दी, केवल और केवल आपको ये बुक पढ़नी है। देख लो 1 2 3 4 5 केवल 5 बुक आपको 85 क्वेश्चंस के लिए पढ़नी है और 2 बुक आपकी ये होगी 7 यदि आप 100 क्वेश्चन की बात लेकर चलें। तो इतना भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं सीईटी अगले पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्लियर है। काफ़ी है, इतना आप पढ़ लेंगे, बाकी जिस भी टॉपिक में आपको परेशानी आती है यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो हैं, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं जिसका भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं माई एग्जाम का। हमारा एक और चैनल है भूपेदिया टाक्स, वो भी आप वहां पर हम भी गाइड करते रहेंगे, वो भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, भूपेदिया टॉक्स चैनल, लिंक आपको मिल जाएगा सारे चैनल्स का। एक हमारा ट्रिक का चैनल है जिस पर आपको मैथ एंड रीजनिंग की ट्रिक सिखाई जाती हैं, जिस पर आपको मदद मिलेगी आप कैसे टाइम बचाएं आपका। कुछ बच्चे लगते हैं कि एक क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट लगा देते हैं, तो वहाँ पर ट्रिक सिखाई जाएगी ताकि आप वो 4 से 5 मिनट एक क्वेश्चन पे खराब ना करें, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को वीडियोज़ कैसी लगी। धन्यवाद।